सीएम योगी की हाईटेक पुलिस ने कटवाई नाक। नोएडा में कड़े पहरे से निकल भागा शातिर अपराधी। अब पुलिस को देते नहीं बन रहा कोई जवाब। अधिकारियों का तर्क बन रहा है मजाक का कारण। योगी सरकार की पुलिस करवा रही जमकर फजीहत। विपक्ष की भाषा में कहें तो उत्तर प्रदेश पुलिस की ठोको नीति का विरोध लगातार जारी है। ऐसे में पुलिस से उम्मीद है कि वो कार्यशैली में कुछ बदलाव करे, लेकिन पुलिस बदलाव न करने की जैसे कसम खाकर बैठी है। आप सोच रहे होंगे कि हम कैसी बातें कर रहे हैं, तो यकीन करिए ये खबर देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो हम कह रहे हैं उसमें रत्ती भर झूठ या लाग लपेट नहीं है। जरा इन गहमा गहमी की तस्वीरों को गौर से देखिए। ये लीक पीटने की कवायद नोएडा की पुलिस तब कर रही है जब पुलिस के दावे के मुताबिक एक शातिर अपराधी एनकाउंटर में घायल होने के बाद भी फरार हो गया। गजब की बात तो ये है कि जो आरोपी फरार हुआ है उसके पैर में गोली लगी थी, लेकिन फिर भी उसे योगी आदित्यनाथ के आराध्य ब्रह्मा जी ने ऐसी शक्ति दे दी कि उसने पहले सीलिंग काटी, उसके बाद फिर टॉयलेट से छलांग लगाई और फरार हो गया। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा हो कैसे सकता है, तो फिर नोएडा पुलिस के अधिकारी महोदय को सुनिए, आपको यकीन हो ही जाएगा। जहाँ पे एडमिट था उसके बाथरूम में घुस करके और बाथरूम से उसने छलांग लगा करके वहाँ से निकल गया है, और जो उन सीलिंग्स में वो घुस गया है, इसकी खोजबीन चल रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुबह आरोपी को टॉयलेट जाना था इसलिए हथकड़ियां खोली गई थी। पुलिस को लगा कि पैर में गोली लगी है इसलिए आरोपी भागेगा नहीं, लेकिन वो भाग गया। अब पुलिस के गोली में घायल होने वाले दावे का दम तो ये बयान ही निकाल रहा है, लेकिन योगी जी की आदर्श पुलिस अपनी गलती को सही साबित करने के लिए एक ही रटा रटाया जवाब दे रही है कि आरोपी को गोली लगी थी और वो घायल था। अब राम ही जाने कौन सी शक्ति आरोपी को अचानक प्रकट हुए भगवान से मिली कि एनकाउंटर में घायल आरोपी फरार हो गया और पुलिस बेचारी अपनी फजीहत करवा रही है। आरोपी अब कहां है किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन ये खबर अब पुलिस की नाकामी की पोल खोल रही है और सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।